हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे। स्वागत है आप सभी का अंग्रित क्रिएशन के एक नए ब्लॉग में। आज आप लोग को लेकर आए हैं फुजेरा म्यूजियम, और फुजेरा म्यूजियम में आज आप लोग को दिखाएंगे फुजेरा एमरेट से यहाँ के हिस्टोरिकल थिंग्स। तो बिना देरी किए चलते हैं और आप लोग को ले चलते हैं, दिखाते हैं फुजेरा म्यूजियम का इनसाइड का व्यू। अभी ये आप देख पा रहे हैं, ये फुजेरा म्यूजियम का एंट्रेंस गेट है, जहाँ पे आपको टाइमिंग डिटेल्स मिल जाता है, ओपनिंग टाइमिंग क्या है यहाँ पे। तो आप लोग को बताना चाहेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है बट आप क्लियरली आपको बताएंगे। तो सैटरडे टू थर्सडे 8 AM टू 6:30 PM ओपनिंग टाइमिंग है, और फ्राइडे जो कि यहाँ पे प्रेयर होता है उसकी वजह से यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। तो फ्राइडे यहाँ पे 8:30 AM टू 12 PM का टाइमिंग है, और 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए जो प्रेयर का टाइमिंग है उसके वजह से ब्रेक रहता है। फिर उसके बाद 2:30 PM से 6:30 PM तक आपको ओपन मिलता है। यहाँ पे आप कार से ड्राइव करते हुए यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है जाने से पहले। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीनरी एरिया है। यहाँ से होते हुए हम बाई वॉक जा रहे हैं, बट यहाँ पे कार ड्राइव करके भी जा सकते हैं। कार ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, रोड बहुत ही अच्छा बनाया गया है। तो कार से अगर व्हीकल से भी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हैं। यहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, और आगे आप लोग को दिखाते हैं। चलिए क्लोज और आप लोग को दिखाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं फुजेरा म्यूजियम के आउटसाइड का ये व्यू है। ये फुजेरा म्यूजियम का एंट्रेंस एरिया, फुजेरा म्यूजियम 1991 में स्थापित किया गया है। इसका आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस एरिया, ये है आपका। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से मैं टिकट ले रहा हूँ। जो टिकट की प्राइस है 5 दिराम इंडिया का, आप अप्रोक्सीमेटली आपको 20 रुपीस, 1 दिराम 22 रुपीस चल रहा है, तो 5 दिराम आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा। तो ये है म्यूजियम का एंट्रेंस टिकट, और चलते हैं इनसाइड और आप लोग को दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है डिटेल्स में। ये आप लोग देख पा रहे हैं जो एंट्रेंस एरिया है म्यूजियम का, ये फर्स्ट एंट्रेंस एरिया है। यहाँ से वन बाय वन हॉल में आप लोग को लेके चलेंगे और विजिट कराएंगे। और ये टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना है, और वाईफाई फ्री है, मास्क इज मैंडेटरी। गाइडेंस सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया, कतर, अरब गल्फ, यूनाइटेड अरब अमीरात का ये मैप। ये गिफ्ट हॉल, ये शेख जायद, ईयर ऑफ जायद, इनकी मेमोरीज,
ये है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, योर पाथ टू पीस। हैंड सैनिटाइजर या मास्क, ये कोविड के जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं फर्स्ट ए हॉल, म्यूजियम का फर्स्ट हॉल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सॉप स्टोन वेसल्स लीड्स एंड ए मड स्टोन सर्ड टुगेदर विद सम सेल्स डिस्कवर एट द कलेक्टिव टॉम्स इन सॉर विलेज। यहाँ पे कलेक्शन है,
ये रहा आपका फर्स्ट हॉल, आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड हॉल के लिए चलते हैं। ये है आपका सेकेंड हॉल, चलते हैं थर्ड हॉल में। गाइज़ आप सब लोग को बताना चाहते हैं, फुजेरा म्यूजियम का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, 1969 में एक छोटे से हाल का एक संग्रहालय था, जो कि जिसमें पुराने सिक्कों, खेती के औजार, मिट्टी के बर्तनों और हथियार सहित प्रदर्शनों को एक स्थापित किया गया था संग्रहालय में, जिसको 27 मई 1991 में शेख अहमद बिन मोहम्मद अलसारकी, जो कि फुजेरा एमरेट्स के रूलर हैं, उन्होंने इस संग्रहालय को एक रखरखाव के लिए फुजेरा एमरेट्स सरकार से एक्सपेंसेस का एक एक आदेश पारित किया, जिसमें इसको एक नया रूप दिया गया, जो कि 30 नवंबर 1991 में आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से इसको म्यूजियम को खोला गया, और 1998 में विभाग ने इसने दो बड़ा हॉल, जिसमें एंटीक्विटी पुराने पुरातन चीज़ों से रिलेटेड और तीन बड़े हॉल जो कि विरासत हेरिटेज से रिलेटेड किया गया, स्थापित किया गया। तो ये रहा फुजेरा म्यूजियम का जो हिस्ट्री, 1969 में एक छोटे से कमरे से स्टार्ट, अभी इसका प्रारूप ये है। और अभी आप लोग को बताना चाहेंगे, इसमें संग्रहालय में जो म्यूजियम में फर्स्ट हॉल में आपको देखने को मिलता है पारंपरिक तरीके का जो स्थानीय प्रदर्शन है, जीवन की जो यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, किस तरह से मिट्टी के बर्तन, मछली पकड़ने का व्यवसाय, कृषि, व्यापार और बुनाई से संबंधित विरासत वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है,
जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको स्लो मोशन में हम पूरे वीडियो को बनाए हैं और आपको हर पार्ट में आप देख सकते हैं और आप लोग को दिखाई देगा यहाँ का जो वेशभूषा है और जो कॉस्ट्यूम, जिसमें लेडीज़ के लिए हजाब, बुर्का और सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा जो इसमें है, प्रदर्शन किया गया है हॉल में, वो है मसाले की दुकान और सुख सहित डिस्प्ले आपको दिखेगा। और एक नेक्स्ट हॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पे अल बदियास, डिब्बा अल फुजेरा, गिदफा में कब्रों से पुरातत्विक खोज शामिल की गई है, जिसमें तीर के निशान, कार्लियन मोती और जहाज़ों जैसी वस्तुएं शामिल हैं। तो ये है फुजेरा म्यूजियम के जो हिस्ट्रिकल थिंग्स हैं, जो संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा, म्यूजियम में देखने को मिलेगा। यहाँ के रूलर शेख अहमद बिन मोहम्मद अल सारकी के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की रूपरेखा और दिन पे दिन और भी चीज़ें डेवलप होती ही जा रही हैं म्यूजियम में। और संग्रहालय में आपको 2100 से ज़्यादा कलाकृतियाँ, दुर्लभ पुरावेश आपको मिलेगा देखने को। यहाँ के परिधान, जो पहनावा है, आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। लोकल लोग पहले कैसे यहाँ पे फिशिंग करते थे, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। छोटे छोटे जो संग्रहालय में आपको छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें जितनी भी हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐतिहासिक चीज़ें। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग और जानकारियाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव होंगी। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो टाइमिंग है, ओपनिंग टाइमिंग है, जाने से पहले ज़रूर चेक कर लें। और इसकी टाइमिंग है सैटरडे टू थर्सडे, शनिवार से बृहस्पतिवार 8 बजे मॉर्निंग से 6:30 PM 6:30 PM शाम तक आपको ओपन मिलता है। और फ्राइडे शुक्रवार को जुम्मा के दिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस रहता है, क्योंकि आप लोग को पता है जुम्मा जो कि फ्राइडे, यहाँ पे प्रेयर सभी लोग करते हैं। मुस्लिम रिलीजियंस खासकर इस दिन को ज़्यादा लोग व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता को देखते हुए यहाँ पे टाइमिंग में बदलाव है, तो फ्राइडे आपको अगर विजिट करना है तो 8:30 मॉर्निंग से 12 बजे दोपहर तक ओपन है। फिर 2.5 घंटे का ब्रेक है, प्रेयर का टाइमिंग है, उसके बाद आपको 2:30 PM से 6:30 PM ओपन मिलता है। तो ये है टाइमिंग, अगर विजिट करना चाहते हैं तो ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद उस तरह का प्लान करें। और एंट्रेंस फीस है इस म्यूजियम का 5 दिरहम। और 5 दिरहम आप पे करके पूरे इस म्यूजियम का विजिट कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हर यहाँ की ऐतिहासिक
ओवरव्यू को आप देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो शेयर करें, जिससे दूसरे को भी जानकारियाँ मिलें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और नेक्स्ट ब्लॉग हम लेकर आ रहे हैं जो कि फुजेरा का फोर्ट का रहेगा, जो फुजेरा किला यहाँ फुजेरा म्यूजियम के जस्ट बिसाइड में ही है, तो हम वहाँ का भी कवर किए हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को वहाँ का वीडियो मिलेगा, मैं आप लोग को एडवांस में बता देता हूँ। और आप लोग जो लोग नए विजिट कर रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो नए वीडियो में मिलेंगे नए जानकारी के साथ। फुजेरा फोर्ट के इनसाइड का व्यू दिखाएंगे, फोर्ट में जो किले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इन्फॉर्मेटिव है, क्या इतिहास है फुजेरा फोर्ट का आपको मिलेगा। तो अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें और आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और फुजेरा म्यूजियम का इनसाइड का व्यू आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं।
मिलते हैं एक नए प्लेस पे, नई जानकारियों के साथ नए ब्लॉग में, और आप लोग का स्वागत रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग जो है फुजेरा फोर्ट का रहेगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, अलविदा।